Hey guys, welcome back again on channel Potato Chips. क्या है पोटेटो चिप्स के सीक्रेट? कैसे हुई पोटेटो चिप्स की शुरुआत? क्या आप जानते हैं कैसे हुई पोटेटो चिप्स की शुरुआत? शायद नहीं। तो चलिए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं पोटेटो चिप्स की आविष्कार के बारे में और उसके पीछे की दिलचस्प कहानी के बारे में। आपको जानकर हैरानी होगी कि पोटेटो चिप्स का आविष्कार सोच समझ कर नहीं किया गया था। दरअसल पोटेटो चिप्स का आविष्कार एक गलती के कारण हुआ था। तो क्या थी वो गलती और आखिर कैसे हुई पोटेटो चिप्स की शुरुआत, बने रहिए इस माइंड ब्लोइंग वीडियो में मेरे साथ एंड तक। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं होमस्टे। मार्केट में कई फ्लेवर वाले पोटेटो चिप्स आते रहते हैं। बच्चे हो या किसी भी उम्र के लोग, सभी को पोटेटो चिप्स बहुत ही ज्यादा पसंद है। लेकिन उन पोटेटो चिप्स के पैकेट्स में हवा ज्यादा और पोटेटो चिप्स कम रहती है, जिससे ना तो आपका मन भरता है ना ही आपका पेट। मैं आपका मन या पेट आपका नहीं भर सकता हूँ, लेकिन मैं आपका नॉलेज जरूर बढ़ा सकता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं मेन पॉइंट की ओर। बात है 1853 की, 1853 की, जब न्यूयॉर्क के सारातोगा स्प्रिंग्स में मून्स लेक हाउस नाम का एक बहुत ही पॉपुलर रेस्टोरेंट हुआ करता था। उस समय फ्राइड पोटेटोस यानी कि आज का फ्रेंच फ्राइज को उस टाइम पे काफ़ी एक जानी मानी रेसिपी हुआ करती थी। एक दिन इस रेस्टोरेंट में कॉर्नेलियस वंडरबिल्ट नाम के एक व्यक्ति इस रेस्टोरेंट में जा पहुंचा और ये स्वादिष्ट रेसिपी ऑर्डर की, जिसे उस समय मून्स फ्राइड पोटेटो के नाम से जाना जाता था। उस समय के फेमस कुक जॉर्ज क्रम इसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे, जिसने कुछ ही समय में मून्स फ्राइड पोटेटोस तैयार करके उन्हें परोस दिया। फ्राइड पोटेटोस की मोटे साइज को देखकर कॉर्नेलियस गुस्सा हुए और परोसे हुए फ्राइड पोटेटोस को वापस भिजवा दिया। जॉर्ज काफ़ी हैरान में पड़ गए, क्योंकि उस टाइम पे पहली बार फेमस रेसिपी को किसी ने नापसंद किया था। जॉर्ज क्रम ने इस रिग्रेट को चैलेंज के तौर पर ले लिया। फिर उसने फिर से ये फ्राइड पोटेटोस बनाना शुरू किया और कुछ ही देर में आलू को पतला सा काट कर और फ्राइड पोटेटोस रेडी करके उन्हें वापस परोसा। दूसरी बार भी कॉर्नेलियस आलू की साइज से संतुष्ट नहीं हुए और फिर से उन्होंने इस फ्राइड पोटेटोस को वापस करवा दिया। ये पहली बार था जब जॉर्ज क्रम की फेमस रेसिपी को किसी ने दो बार नापसंद किया हो। जॉर्ज क्रम अब काफ़ी गुस्से में हो गए और उन्होंने कॉर्नेलियस को सबक सिखाने के लिए उसने आलू को पेपर के जितने शेप से काटा और लंबे समय तक डीप फ्राई किया और उन पर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक छिड़क कर वापस उन्हें परोस दिया। कॉर्नेलियस के रिएक्शन को देखने के लिए इस बार जॉर्ज क्रम खुद किचन से बाहर आए, लेकिन इस बार कॉर्नेलियस ने इस पोटेटो को वापस नहीं किया, क्योंकि उन्हें ये काफ़ी पसंद आई। जॉर्ज क्रम को ये रिएक्शन देखकर काफ़ी हैरानी हुई, क्योंकि उन्हें ये रेसिपी काफ़ी पसंद आई और उसके बाद सारे चिप्स को वो पल भर में ख़त्म कर गए। इसके बाद इस कॉन्ट्रोवर्शियल रेसिपी की कहानी को ऑफिशियल ओरिजिन स्टोरी ऑफ पोटेटो चिप्स इन्वेंशन के नाम से जाना जाने लगा और इस चिप्स को सारातोगा चिप्स का नाम दे दिया गया। पोटेटो चिप्स के कुछ फैक्ट्स जानने से पहले, अगर आपने अभी तक होमस्टेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन को जरूर दबा दो, ताकि होमस्टेड के आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। पोटेटो चिप्स का पहला फैक्ट ये है कि यूएसए का एक राज्य है पेंसिल्वेनिया, जिसे दुनिया का पोटेटो चिप्स कैपिटल के तौर पर जाना जाता है, और ये एक लौता राज्य है जो पूरे यूएस की पोटेटो चिप्स की प्रोडक्शन को लीड करता है। पोटेटो चिप्स का दूसरा फैक्ट ये है कि यूएसए का एक राज्य है ओहियो में एक व्यक्ति को ऑटोग्रो सिंड्रोम नाम की एक बीमारी से पीड़ित थे। इस अल्ट्रा रेयर डिसऑर्डर का एक सिम्टम्स ये है कि उसका शरीर उसके पेट में आलू की चिप्स को शराब में बदल देता है। मतलब आप ज़्यादा अगर पोटेटो चिप्स खा रहे हो तो थोड़ा ध्यान रखना, डरा नहीं बता रहा हूँ। पोटेटो चिप्स का तीसरा फैक्ट ये है कि फेमस पोटेटो चिप्स कंपनी लेस कई सारे फ्लेवर्स में पोटेटो चिप्स कई सालों से बनाती आ रही है, जिसे आपने भी कभी ट्राई किया होगा। उस कंपनी का नाम उनके ओनर के सरनेम से लिया गया है, जिनका नाम है अरमन डब्ल्यू ले, और इसी ले से लिया गया है लेस। आलू के चिप्स का चौथा और आखिरी फैक्ट ये है कि कंपनी लेस के फेसबुक पेज के अनुसार लेस पहली कंपनी है जिसने स्नैक फूड ब्रांड के प्रोडक्ट को पहली बार एडवर्टाइज किया था। तो बस, तो कुछ इस तरह से हुआ था पोटेटो चिप्स का इन्वेंट। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और पोटेटो चिप्स के इन्वेंटर और उसके फैक्ट्स को जान के आपके नॉलेज में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हुई होगी। और आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आपके मुताबिक आप किसे मानते हो कि असली इन्वेंटर कौन है पोटेटो चिप्स का?
जोर्ज क्रम जिसने दो बार पोटैटो चिप्स बनाई या कॉर्नेलियस वंडरबिल्ट जिसने दो बार पोटैटो चिप्स बनवाई, मुझे बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों बस आज के इन्वेंशन के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि होम स्टेट के आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मिलता हूँ अगले हफ्ते एक नए इन्वेंशन के वीडियो में। तब तक के लिए आप सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, अपने आजू बाजू सफाई रखिए, नियमों का पालन करें और ईमानदार बनें।